देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं एक फार्मर हूँ, मैंगो प्रोड्यूसर हूँ। मैं आम प्रोड्यूस करता हूँ और आम अभी ये प्रोजेक्ट के वजह से मैं आम पहले 14-15 दिन लगते थे, अभी ये प्रोजेक्ट के वजह से मैं 4-5 दिन में आम पका लेता हूँ। यानी ऑर्गेनिक वे है कि वो कार्बाइड का उपयोग करते हैं? नहीं नहीं पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है और कोई हानिकारक नहीं शरीर के लिए। आपकी पढ़ाई क्या हुई देवेंद्र जी? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर आप खेती में लग गए? हाँ, पिताजी पहले से खेती करते थे, उसके बाद मैं और मेरा भाई और पूरी फैमिली लगती है फार्मिंग में, सब मैंगो। हाँ, और कैसे आप फसल पकाने का काम करते हैं तो फसल कभी कभी खराब भी हो जाती होगी, फल फल को पकाते हैं आप तो? हाँ होती थी, पहली होती थी जो हम पकाते थे तो उस टाइम थोड़ा सा यानी 20-30% खराब होने का चांसेस था, लेकिन अभी ये राइपनिंग चेंबर्स की वजह से क्या हुआ, उसमें 28 to 30 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो उसमें स्पॉन्जी टिश्यू का जो इश्यू रहता है एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से वो बिल्कुल चला गया, 28 to 30 डिग्री मेंटेन होता है और उसमें स्पॉन्जी टिश्यू निकल गया सब। तो आपके किसानों को मालूम है कि अब लोग ये कार्बाइड के द्वारा पकाए हुए फल खाना पसंद नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक वे में पके हुए फल खाना पसंद करते हैं, और इसलिए उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं क्या किसानों को? हाँ बिल्कुल, अभी समझो हमने खुद का अभी प्रोडक्ट बना दिया, अभी मैंने क्या किया है मार्केट बना दिया, मेरा जो ब्रांड है उसका नाम लग दिया श्री विश्वेश्वर मैंगोज, और उसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि साइंटिफिकली प्रूवन ऑर्गेनिक राइपन ऐसे लिख सकता हूँ, और जो क्या है अभी जो इसमें राइपनिंग चेम्बर में पकाते हैं वो आम एकदम गुड क्वालिटी का निकलता है, तो उसमें जो विष जो होता है कार्बाइड की वजह से वो होता नहीं है और यानी पूरा हानिकारक नहीं है, एकदम सेफ है। देवेंद्र जी ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप ये फल पकाने का प्रोजेक्ट शुरू करें? सर ये एक बहुत एक प्रॉब्लम आया था, अभी देखो कोविड का पीरियड आ गया, कोविड की वजह से मंडियां बंद रही, तो अभी करने का क्या, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रत्नागिरी में से बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों ने हम फार्मर लोगों का जो फोन नंबर्स वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हाउसिंग सोसाइटी में, तो उसकी वजह से हाउसिंग सोसाइटी की उधर से हमको फोन आना शुरू हो गए कि हमको आम चाहिए करके, लेकिन उनको आम पका के चाहिए था, तो हमको उस वक्त मेरे पास राइपनिंग चेम्बर नहीं था तो मैं दूसरी जगह जाता था पकाने के लिए, अपने लगा लेता था आड़ी, तो उसमें 10-15 दिन लगते थे तो मेरे को टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, तो सोचा चलो अपना राइपनिंग चेम्बर हो सके, तो मैं खुद बैंक ऑफ इंडिया मारुति मंदिर को मिला, उन्होंने बोला कि मेरे को अभी ऐसा ऐसा करने का है राइपनिंग चेम्बर, तो बोले कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक स्कीम है उसमें आप ये कर सकते हैं प्रोजेक्ट, तो मैं प्रोजेक्ट कर सका और मेरे को फायदा भी हो गया। अच्छा, आपने कितना लोन लिया था? आपको ये लोन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? किसी से कोई नहीं, नहीं। बीच में बिचौलिया कट मनी मार तो नहीं गया ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, 16 लाख का टोटल लोन था और मैं कोई प्रॉब्लम भी आई नहीं, जैसे मैं बैंक में गया तो बैंक ने मेरे को खूब अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, उन्होंने 2 हफ्ते में मेरा लोन सैंक्शन कर दिया और पोर्टल में भी उन्होंने भर दिया सर। देवेंद्र जी आप इंजीनियर हो गए और खेती में वापिस आ गए तो माताजी पिताजी को थोड़ा नाराजगी तो हुआ होगा शुरू में? पिताजी तो मेरे नहीं है लेकिन हाँ। माताजी मेरे को पहले से बोलती है खेती करो, तो वो भी एक उसकी माँ की भी मेरी बैकग्राउंड है, वो खेती की है, तो उन्होंने पहले से प्रमोट किया, पहले मेरे को ही जाने का था इंजीनियरिंग में लेकिन मैं ही ऐसे खेती में। आपने आपके आपने अपनी माताजी की इच्छा पूरी कर दी। बराबर सर। देवेंद्र जी देखिए ये आप एक उदाहरण है कि जब एक किसान खुद ही उद्यमी बनता है और जब पढ़ा लिखा नौजवान खेती में आता है तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आज आप अपने
प्रोजेक्ट के जरिए ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने साथी किसानों का भी एक प्रकार से भला भी कर रहे हैं और उनके अंदर कुछ करने की भावना भी जगा रहे हैं। देवेंद्र जी, आपने बताया कि आपको लोन कितनी आसानी से मिल गया। आज से 6-7 पहले तो गरीब किसानों को लोन मिलने में कितनी दिक्कत आती थी वो सब जानते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे किसानों को पैसों की, संसाधनों की किसी तरह की कमी ना हो। हम इसी प्रयास में लगे हैं। चलिए देवेंद्र जी, आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका माता जी को भी बहुत प्रणाम जिन्होंने आपको ये संस्कार भी दिए, शिक्षा भी दी और आपको खेती के काम में फिर से लगा दिया। आपकी माता जी को भी मेरा प्रणाम। सर जी, आप आम के सीजन में जरूर आ जाइए। अरे वाह, देखिए रत्नागिरी का आप तो बड़ा फेमस रहता है भाई, लेकिन इस बार तो आप लोग बाढ़ के कारण भी बहुत परेशान हो गए। बारिश ने भी बहुत आपको हैरान कर दिया, लेकिन आपके निमंत्रण के लिए मैं बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।